हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अज असी इस लैक्चर के ऑपरेटिंग सिस्टम का नैक्सट टॉपिक कर जा रहे हैं, दैट इज़ डेडलॉक। राइट, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नू। डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक की हुंदा? जो कोई भी प्रोसैस की आ वेट कर रहा हुंदा किसी रिसोर्स की, जो कि ऑलरेडी किसी होर प्रोसैस के द्वारा की आ हेल्ड किया हुंदा। राइट, तो अज असी सिचुएशन देखते हैं। Deadlock is a situation that occurs in operating system when any process enters a waiting state because another waiting process is holding the demanded resource. Okay, kehnde aa deadlock ki ek ajehi situation aa jehdi ki operating system de vich occur hundi aa jadon ki aa koi vi process ki aa waiting state de vich enter hunda. Kyon hunda? Because ki aa another waiting process, होर कोई जिहड़ा प्रोसैस हुंदा वो ऑलरेडी की आ वेट कर रहा हुंदा किसी रिसोर्स की, जिहड़ा की आ होल्ड किया हुंदा किसी होर प्रोसैस के द्वारा। तो इहनूं असीं एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज करो साडे कोल एक रिसोर्स आ, रिसोर्स वन, जिहनूं की आ ऑलरेडी असाइन, जिहड़ा की ऑलरेडी असाइन हैगा पी वन प्रोसैस नूं। ठीक है, प्रोसैस वन नूं, प्रोसैस वन नूं किहड़ा रिसोर्स एलोकेटड आ? रिसोर्स वन। तो प्रोसैस वन आ जिहड़ा की आ वेट कर रहा रिसोर्स टू की, जिहड़ा कि ऑलरेडी असाइन हैगा पी टू नू, यानी कि प्रोसैस टू नू। तो प्रोसैस टू आ जिहड़ा वो ऑलरेडी वेट कर रहा रिसोर्स वन की। तो ये कि एक सर्कुलर कंडीशन बन रही है। तो इस चीज़ में असं की बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिहड़ा प्रोसैस वन आ वो ऑलरेडी उन्हूं क्या रिसोर्स वन एलोकेटड आ और वो वेट कर रहा कि रिसोर्स टू की। जिहड़ा रिसोर्स टू आ वो ऑलरेडी असाइन हैगा पी टू नू, तो पी टू भी जिहड़ा वेट कर रहा रिसोर्स वन की। तो दोनों की आ वेटिंग स्टेट दे विच आ, पी वन प्रोसैस भी और पी टू प्रोसैस भी। ठीक है, तो इस चीज़ में असं की बोलते हैं? डेडलॉक। जदों की आ प्रोसैस की आ वेटिंग स्टेट दे विच की आ होर रिसोर्स की की आ वेट करते हैं। इस चीज़ में क्या होर क्लीयरली एक्सप्लेन कर लें। आ डेडलॉक हैपन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम वैन टू और मोर प्रोसैस नीड सम रिसोर्स टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन दैट इज़ हैल्ड बाय अदर प्रोसैस। आ डेडलॉक कदों हैपन हुंदा ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच? जदों दो या ज़्यादा प्रोसैसिस की आ नीड हुंदी, उन्हां नूं जरूरत हुंदी आ कुछ रिसोर्सिस दी अपनी एग्जीक्यूशन नूं कंप्लीट करन दे लई, जिहड़े की आ हैल्ड हुंदे आ अदर प्रोसैसिस दे थ्रू। ठीक है, भी कोई भी प्रोसैस आ वह वेट कर रहा किसी रिसोर्स की, जिस रिसोर्स नूं की आ ऑलरेडी हैल्ड किया होया होर किसी प्रोसैस ने। राइट, दैट इज़ अ डेडलॉक। तो डेडलॉक दी अगां करैक्टरिस्टिक्स आ दी नेसेसरी कंडीशनस की आ, इहदे विच म्यूचुअल एक्सकलूजन। म्यूचुअल एक्सकलूजन की हुंदा? ओनली वन प्रोसैस कैन यूज एट अ टाइम, एट अ टाइम ते एक टाइम ते जस्ट एक प्रोसैस एक रिसोर्स नूं ही की आ असाइन कर सकदा। राइट, तो दैट इज़ अ म्यूचुअल एक्सकलूजन। राइट, तो सैकेंड वन इज़ हैगा होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट कंडीशन की आ? अ प्रोसैस इज़ होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स। एक प्रोसैस आ उन्हें कि ऑलरेडी एक रिसोर्स नू की आ होल्ड किया होया, ऑलरेडी एक रिसोर्स आ जिहड़ा की आ असाइन हैगा उन्हूं एलोकेट होया होया, तो वह की आ होर किसी रिसोर्स की भी की आ वेटिंग वेट कर रहा, यानी कि वह होर किसी रिसोर्स नू की आ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा। तो दैट इज़ अ होल्ड एंड वेट। नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन दे विच प्रीएम्पशन दा टॉपिक असी इस टॉपिक नूं असी काफ़ी बार क्लीयर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ दे विच। राइट, तां इहदे विच की हुंदा? अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसैस अनलैस द प्रोसैस रिलीज़ द रिसोर्स। जिहड़ा रिसोर्स आ उस रिसोर्स नूं की आ होर कोई प्रोसैस कदों तक नहीं टेक कर सकता, जदों तक की आ जिस प्रोसैस जिहड़ा प्रोसैस उहनूं ऑलरेडी यूज़ कर रहा उस प्रोसैस नूं की आ रिलीज़ नहीं कर दिंदा। राइट, दैट इज़ अ नो प्रीएम्पशन। सर्कुलर वेट। सर्कुलर मतलब राउंड, राउंड दे विच की आ वेट कर रहा प्रोसैस दी। अ सैट ऑफ प्रोसैसिज आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। प्रोसैसिज की आ वेट कर रहा रिसोर्सिज दी इन अ सर्कुलर फॉर्म, एक दूजे की मतलब एक दूजे दे रिसोर्स की आ वेट कर रहा सर्कुलर फॉर्म दे विच। इन्हां नूं असीं की अगे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फस्ट सीगा साडे कोले म्यूचुअल एक्सकलूजन। राइट, तो उहदे विच की सीगा उहदा कंसैप्ट कि एट अ टाइम ते जस्ट एक प्रोसैस नूं एक रिसोर्स ही एलोकेट होगा। राइट, तो सिमिलरली सपोज साडे कोले हैगा पी वन। राइट, पी वन नूं एट अ टाइम ते की आ रिसोर्स वन ही एलोकेट होगा। राइट, पी वन
ਰਿਸੋਰਸ 1 ਐਲੋਕੇਟ। ਔਰ ਜੇ ਅਨਦਰ ਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ P2 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, P2 ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੋਰਸ 2, ਮਤਲਬ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਵੇਟ। ਹੋਲਡ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਆ ਅਨਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ P1 ਆ, P1 ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੈਗਾ ਰਿਸੋਰਸ 1, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਰਿਸੋਰਸ 2, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਹੋਲਡ। ਹੋਲਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਨੂੰ, ਔਰ ਵੇਟ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਸੋਰਸ 2 ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਵੇਟ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਸਪੋਜ਼ P2 ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੋਕੇਟਡ ਟੂ ਰਿਸੋਰਸ 2, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਆ ਰਿਸੋਰਸ 2, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਰਿਸੋਰਸ 1, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਵੇਟ। ਥਰਡ 1 ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੋ ਪ੍ਰੀਐਮਪਸ਼ਨ। ਨੋ ਪ੍ਰੀਐਮਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਅਸਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ P1 ਆ, P1 ਕੀ ਆ R1 ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, R1 ਰਿਸੋਰਸ P1 ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ R2 ਰਿਸੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ P2 ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ P2 ਕੀ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆ P1 ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਸੋਰਸ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗਾ P2 ਨੂੰ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਹੈਗਾ P1 ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ P2 ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ 2 ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ P1 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ 1 ਇਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਟ। ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, P1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1 ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ 1 ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗਾ P2 ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ P2 ਆ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ 2 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗਾ P1 ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਟ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਅਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ P1 ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ R1 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗਾ P2 ਨੂੰ, ਔਰ P2 ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸ 2 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਾਈਨ ਹੈਗਾ P1 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡੈਡਲੋਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡੈਡਲੋਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਡੈਡਲੋਕ ਅੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।